आपकी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है, पीपल थिंक दैट इट्स गोइंग ऑब्सोल्यूट, लाइक खत्म हो रही है. कीपिंग इन माइंड कोक पेप्सी, उनको कोई मार्केटिंग की जरूरत तो नहीं है. आपको कंपेटिटर्स को साथ साथ अपने आप को भी लेके चलना पड़ता है. सो फैशन मार्केटिंग मेरी नज़र में थोड़ा मुश्किल होती है दूसरी से. आइडिया तो है कि व्हाट मारिया बी इज, बट लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि व्हाट आर प्रोडक्ट लाइन इज. एक प्रोडक्ट लाइन के लिए पूरे साल में एक शूट करके उसका आउटडोर कैंपेन तो प्लान नहीं कर सकते. प्रोडक्ट आपकी सिर्फ ऐसा नहीं कि बनी और बिक गई, वो प्रोडक्ट का एक सर्टन चैनल है. मेरे पास कंप्लेंट्स नहीं आ रही है तो दैट मीन्स कि मेरी प्रोडक्ट को कस्टमर बॉदर नहीं कर रहा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बिकदरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक ब्रांड के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दोस्तों, मारिया भी एक ज़बरदस्त, एक बहुत बड़ा ब्रांड कैसे बना, किस तरह से, कैसी मार्केटिंग कैंपेन्स उन्होंने लॉन्च की, और अगर आप अपनी कैंपेन्स बनाना चाह रहे हैं मार्केटिंग की, और मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट में जान डालना चाह रहे हैं और आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आज का जो ये सेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए. दोस्तों, किस किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो होनी चाहिए, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है नकाश को. नकाश इज़ वर्किंग एज ए मार्केटिंग हेड एट मारिया बी. हम उनसे भी जानेंगे कि मारिया बी की सक्सेस स्टोरी है क्या. आइए मिलते हैं नकाश से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच नकाश फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं. वेलकम ऑन बोर्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू, इट्स एन ऑनर फॉर मी फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड इसलिए क्योंकि आई नो दैट कि माशाल्लाह आई एम फॉलोइंग यू ऑन लिंक्डइन एंड यू वेरी वेल एक्टिव. बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है आपकी, और जहाँ पर भी आप गए, जिस जिस इदारे में आप गए और आपने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, चाहे वो चेनमन हो, चाहे वो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, और अब माशाल्लाह मारिया भी, तो वो सफ़र को लेके तो मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन जो हमारा टॉपिक है उसको लेके भी मैं सुपर एक्साइटेड हूँ. सो हम बात करने चाह रहे हैं कि मार्केटिंग की, जो फैशन रिटेल में जो मार्केटिंग है वो किस तरह से होती है, और यू आर वर्किंग इन मारिया बी. तो सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे कि कन्वेंशनल मार्केटिंग और जो आपकी मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग में क्या फ़र्क है. अच्छा, स्टार्टिंग विद दैट कि आपकी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है, पीपल थिंक दैट इट्स गोइंग ऑब्सोल्यूट, लाइक ख़त्म हो रही है. बट फॉर FMCG सेक्टर अगर हम बात करेंगे, तो FMCG के लिए तो इट्स अ वेरी मैंडेटरी पार्ट ना, कि आपको कीप ऑन, आपको रिकॉल ब्रांड की बार बार देनी है, आपको ये बताना है कि यू आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. कीपिंग इन माइंड कोक पेप्सी, उनको कोई मार्केटिंग की जरूरत तो नहीं है. दे डोंट नीड होर्डिंग्स, बिल बोर्ड्स, बट अगेन वही बात है कि आपको कंपेटिटर्स को साथ साथ अपने आप को भी लेके चलना पड़ता है. सो इन द फैशन रिटेल साइड से वेरी डिफरेंट एक्चुअली. देखें, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट दैट इज़ गोइंग फॉर अ लॉन्गर रन. ठीक है, मैं बात करूँगा समर, इफ यू आर हैविंग अ समर कैंपेन, वी आर हैविंग सम समर ड्रेसेस, या अगर हम बात करेंगे इफ यू आर हैविंग समथिंग फॉर द विंटर, इट्स अ वेरी यू नो शॉर्ट टेन्योर. आपको उसके बाद आपका स्टॉक भी आपको लिक्विडेट करना है, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर यू आर कमिंग विद द नेक्स्ट थिंग. सो इसमें थोड़ा जो आपका मार्केटिंग का जो वे होता है, दैट इज़ वेरी यू नो आपको बड़ा एग्रेसिवली इसमें आना पड़ता है. सो या तो आप अपनी कन्वेंशनल मार्केटिंग को करें तो एक्सटेंसिवली करें, अच्छा करें, बट इट या बिल्कुल ना करें ना. मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक जगह पे एक चीज़ में अपनी प्रोडक्ट को दिखा दिया लेकिन बड़े स्केल पे नहीं दिखाया. सो फैशन मार्केटिंग मेरी नज़र में थोड़ा मुश्किल होती है दूसरी से, क्योंकि यार आपकी एक प्रोडक्ट है, आप उसी के अगेंस्ट स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, आप उसी के अगेंस्ट, व्हाट आई थिंक कि आपको उसमें उसी के अराउंड घूमना होता है. एक ही प्रोडक्ट है, कोक है, तो कोक में वही, आज पता नहीं कितने सालों बाद पेप्सी ने अपना फ्लेवर चेंज किया, और सेन दे आर डूइंग सम अदर कैंपेन्स. सो आपकी इसमें इमोशनल आपके टैक्टिक्स कितने इन्वॉल्व नहीं होते. फैशन में आपकी थोड़ी सी इसका जो क्रिएटिव साइड होती है वो बड़ी, आपको पता है कि बड़ा आपको सोचना पड़ता है, आपको हर एंगल पे देखना पड़ता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन आर कंपनी इट्स गोइंग वेरी गुड. वी आर हैविंग अ वेरी गुड जो है कमर्शियल, जो आपकी टीम है जो कि मेरे साथ चल रही है, देन कॉन्टेंट टीम, दे आर वेरी गुड. एक्चुअली आप शूट्स देखेंगे, शूट अच्छा हो जाना, इट्स नॉट अ पर्पज़.
आपने अच्छा ड्रेस पहना लिया, अच्छी मॉडल ले ली, सिर्फ वो तो एक पर्पस नहीं है, फिर आपने उसको दिखाना भी है, क्योंकि स्पेंडिंग है ना कमर्शियल वर्सेस कंटेंट, कि आप कितना कंटेंट पे लगा रहे हैं, फिर आप उसको दिखाएंगे कितना. सो दिस इज़ द वे वी आर टेकिंग इट. एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट है, और मारिय भी अगर आप एज ए ब्रांड बात करेंगे, इट्स अ वेरी वेल रिनॉन्ड ब्रांड, नॉट इन पाकिस्तान ओनली, इंटरनेशनली भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल रिकग्नाइज्ड, एवरीबडी नोज व्हाट मारिय भी इज. सो अल्हम्दुलिल्लाह सो इट्स गुड. चलो काश, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो एक जो हमारे फॉलोवर हैं, हम अपने फॉलोवर्स के क्वेश्चन जरूर लेते हैं. पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, ऑन एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जो है लोग हमें फॉलो करते हैं. तो एक क्वेश्चन था बड़ा रेलेवेंट, एंड दैट क्वेश्चन इज दैट कि सर नकाश साहब से हमारे बिहाफ पे ये पूछें कि पहले तो एक ही कैंपेन चला करती थी साल में, दो कैंपेन्स चल गई साल में, अब हर महीने बाद या दो महीने बाद कैंपेन्स जो हैं वो चलती रहती हैं, क्या ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट बन गई है, या आप समझते हैं कि ये एक दफ़ा से एक पूरा प्रोसेस जो है वो रन करना पड़ता है कंपनी को? अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें, देखिए कैंपेन्स दो तरह की हैं, एक तो आपकी डिजिटल कैंपेन्स आप चला रहे हैं वो तो आपको बैक टू बैक कन्वर्जन कैंपेन्स होगी, या आपकी इमेज बिल्डिंग होगी, या प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी लॉन्चेस की, वो तो चलती रहती हैं बैक टू बैक. सो कि आप मारिए भी जैसे जैसे आपका ब्रांड ग्रो करता है, ऐसा नहीं है कि पहले मतलब एक कैंपेन दो कैंपेन पे ही किनारा होता था, तब भी आता था हमारा लाइक वी आर हैविंग सम लॉन्चेस, को हमारी प्रेट साइड पे आ रहा है कुछ, हमारा कुछ अनस्टिच साइड पे आ रहा है, सो वी वर डूइंग दैट एक्चुअली. बट फॉर राइट नाउ वी हैव अ बिगर विजन, मारिय बी का एक विजन बड़ा है, हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट लाइन को, वी आर सर्विंग द कम्युनिटी एज वेल, वी आर गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम क्या कह रहे हैं कि वी आर प्लानिंग द थिंग्स ऑन अ बिगर स्केल, कि लोगों को आइडिया तो है कि वट मारिय बी इज, बट लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि वट आर प्रोडक्ट लाइन इज. हम एक प्रोडक्ट लाइन के लिए पूरे साल में एक शूट करके उसका आउटडोर कैंपेन तो प्लान नहीं कर सकते हैं, हमें थ्रू आउट द ईयर अपनी प्रेजेंस को भी वहीं पर रखना है. वही वाली बात है कि मारिय बी को लोग जानते हैं, मार्केटिंग का पर्पस होता है आपकी ब्रांड के हवाले से इमेज बिल्डिंग करना. हम कोई कन्वर्जन या सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन्स तो नहीं करते हैं, हमारी कैंपेन्स थॉरली हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं. सो हम अब जो प्लान कर रहे हैं दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट, मतलब वी आर गोइंग ऑन अ बिगर स्केल. हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी जो चीज़ें हैं उन लोगों को पता चलें कि मारिय बी क्या बना रहा है. सो वी आर हैविंग वेरी गुड कैंपेन्स. लास्ट टर्की में आपकी जो हमारी था उसके साथ पाकिस्तान और टर्की का एक बन के हुआ था लास्ट ईयर में कैंपेन लॉन्च की हुई थी. सो वी आर अगेन प्लानिंग फॉर गुड थिंग्स. जब आप एक अच्छी कैंपेन शूट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट इन अ बिगर स्केल. अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अच्छे स्केल पे दिखा भी रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है. सो दिस इज द वी आर टेकिंग. बिल्कुल सही. सो नकाश, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे फॉलोअर की तरफ से था वो ये था कि नकाश से ये पूछें कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च करने का. अच्छा, मार्केटिंग कैंपेन डिपेंडिंग अपॉन, देखिए मैंने भी बात आपको की है कि आपकी कैंपेन है क्या, ये थीमेटिक है या टैक्टिकल है. मारिय बी लाइक वी आर नॉट डूइंग एनी टैक्टिकल कैंपेन, लाइक आपकी सेल्स के हवाले से सेल लग गई 50% ऑफ 30% ऑफ, ऐसा कोई सीन नहीं होता. तो हमारी थीमेटिक कैंपेन्स होती हैं. सो द बेस्ट टाइम इज़ व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग, व्हेन यू आर इन अ प्लान ऑफ लॉन्चिंग समथिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, आपको उससे पहले मार्केट में अवेयरनेस देनी है. यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट 15 डेज बिफोर दैट, डिपेंडिंग अपॉन द बजट्स. इफ आई एम हैविंग सम गुड बजट्स लाइक कोक एंड पेप्सी, आई कैन यू नो जस्ट गो फॉर लाइक अ 2 months कैंपेन, 3 months कैंपेन. बट हमारी प्रोडक्ट क्योंकि इसके एक सर्टन एक जिसे हम कहते हैं एज है, इस प्रोडक्ट ने उस टेन्योर में ख़त्म होना है. सो वट वी डू कि वी प्लान इट अर्ली, वट आई डू कि हम कोई अराउंड 2-3 months पहले अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं रिगार्डिंग द सर्टन कैंपेन. समर आ रही है तो उसके लिए हमने 2-3 months पहले अपनी कैंपेन की वर्किंग स्टार्ट करनी है, बिकॉज आई हैव टू एक्वायर द मीडिया. मुझे मीडिया एक्वायर करना है, ऐसा तो नहीं है कि मारिय बी के लिए या कोक पेप्सी के लिए ही सारा मीडिया पड़ा हुआ है, आपको मीडिया एक्वायर करना होता है. देन यू हैव टू प्लान इट एक्चुअली कि आपने किन मीडियम्स को यूटिलाइज़ करना है, आपने किन एरियाज़ को अपने टारगेट मार्केट के मुताबिक हिट करना है. अब उन एरियाज़ में आया आपके पास वो स्पेस अवेलेबल है भी कि नहीं है, क्योंकि वी हैव टू एक्वायर द प्रीमियम प्लेसेस. हमारे जो कस्टमर है दे आर वेरी यू नो नीच कैटेगरी. देन वी आर राइट नाउ अभी हमने एक मैसेज के लिए भी ब्रांड हमारा बन रहा है जिसको एम बेसिक्स के नाम से हम लेके चल रहे हैं. सो द राइट टाइम इज़ जब आपने कस्टमर को अवेयरनेस देनी है कि वट इज़ गोइंग इन द मार्केट. ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पहले प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है आपकी 2 दिन बाद और आप 2 दिन पहले कैंपेन प्लान करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे क्या, क्योंकि मार्केटिंग का काम ये है ना कि उसने बताना है कि ये प्रोडक्ट या ये चीज़ हम लेके आ रहे हैं मार्केट में. अगर आप वो बताएंगे नहीं, इन टाइम नहीं बताएंगे, इन टाइम प्लान नहीं करेंगे. सो नकाश, यू आर वर्किंग एज ए बिजनेस मैनेजर फॉर 2 categories एट मारिय बी, एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग वंडर्स. और मारिय बी तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त एक ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में छाया हुआ है फैशन रिटेल में. सो क्या कामयाबी का राज क्या है?
आई मीन कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है या वहाँ का एनवायरनमेंट है या फिर डू यू थिंक दैट इट्स अबाउट कंप्लीट पैकेज? इट्स ऑल अबाउट द लॉयल्टी, इट्स ऑल अबाउट द एम्पावरमेंट. इफ़ आई एम लॉयल विद माई ब्रांड और जो मैं कैटेगरीज लेके चल रहा हूँ और आई एम बींग एम्पावर्ड बाई द ऑनर्स और बाई द डायरेक्टर्स, सो दैट इज़ द मेन सक्सेस स्टोरी ऑफ दैट सर्टन कैटेगरी. अब हम परफ्यूम्स में हैं, हमारी मारिया बी परफ्यूम्स, मारिया बी ज्वेलरी, मारिया बी प्रेड, वी आर लॉन्चिंग न्यू कैटेगरीज एंड ऑल दैट. सो हम डेडिकेशन से तो काम कर रहे हैं, बट अगर हमें एम्पावर नहीं किया जाएगा सर्टन डिसीजंस के लिए तो हम शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. एंड बींग वर्किंग हेयर इन मारिया बी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बींग एम्पावर्ड बाय द ऑनर्स, बाय द डायरेक्टर्स. अब इफ़ यू हैव सम गुड आइडियाज, इफ़ यू आर थ्रोइंग इट, और हमें ये नहीं कहा जाता है कि हम करेंगे, हमें ये कहा जाता है कि लेके आए होगा क्या, शो अस के वॉट यू वॉन्ट टू डू और उसके हमें आउटकम्स क्या मिलेंगे. सो दिस इज़ द मेन, आपका एम्पावर कह रहे हैं, आप अपने काम के साथ लॉयल है और आपको एम्पावरमेंट मिल रही है, सो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन सिंपल वर्ड्स. ग्रेट नकाश. अच्छा नकाश, द पीपल आर फॉलोइंग यू ऑन लिंक्डइन और माशाल्लाह मैं देखता हूँ यू आर वेरी वेल एक्टिव ऑन लिंक्डइन एज वेल. एक अच्छा मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? आपको एक अच्छा मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा ना, आपको खुद के साथ लॉयल होना पड़ेगा. देखें, मैं अगर अपने किसी भी कैरियर की बात करूँ, नॉट अबाउट द मार्केटिंग ओनली, कोई भी इंसान अगर अपने कैरियर में एक्सेल या ग्रो करना चाह रहा है, सो पहले तो उसको अपने साथ लॉयल होना पड़ेगा कि वो खुद क्या करना चाह रहा है. फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू वॉन्ट टू डू. इफ़ आई हैव अ विजन कि मैंने एक सर्टन पोजीशन या एक सर्टन लिमिट से आगे निकलना है, सो उसके लिए मुझे एक प्लान करना है. यू नीड टू प्लान एवरीथिंग. प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है अल्टीमेटली तो अल्लाह प्लान ही आपका अल्टीमेटली आपको सक्सेसफुल बनाता है. लेकिन अगेन बींग अ मुस्लिम, बींग अ ह्यूमन बींग, हमें अल्लाह ने ब्रेन दिया है जिसको हमने काम में लाना है. हमें अपनी चीज़ों को खुद से अलाइन करना है. पहले तो हमें खुद से कमिटमेंट करनी है कि वी हैव टू डू दिस. मेरी बुक्स में या तो यस होता है या तो नो होता है. दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर एक्चुअली, कि यार तो आप यस करेंगे या आप नो करेंगे. आपको कोई काम ऐसा तो नहीं है ना कि सर मैं ये कर रहा हूँ हाँ हाँ हो जाएगा सर. अब मैं ये कहूँ कि यार सर मैं ट्राई करूँगा, हाँ समटाइम्स यू ट्राई इट, बट अगेन आपको इवेल्यूएट करना होता है कहने से पहले कि वेदर आपकी वो जो आप जो ट्राई कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. वंस यू कमिट समथिंग यू हैव टू डिलीवर इट, क्योंकि कमिटमेंट आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती है. बिल्कुल सही. अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो मार्केटिंग है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आई वुड लाइक टू आस्क ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोअर, वो क्वेश्चन ये था कि सर जब मार्केटिंग कैंपेन को प्लान किया जाता है तो कस्टमर्स की नीड्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? देखिए, कस्टमर की नीड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, आपने जो आपकी कस्टमर एक्सपीरियंस है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के अंदर. अब आप कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आपका अच्छा नहीं है, सो दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं चल सकेंगे. देखिए, प्रोडक्ट आपकी सिर्फ ऐसा नहीं कि बनी और बिक गई, वो प्रोडक्ट का एक सर्टन चैनल है. आपके इंटरनल कस्टमर भी हैं, आपके एक्सटर्नल कस्टमर भी हैं. यू हैव टू सेटिस्फाई योर इंटरनल कस्टमर्स एज वेल. अब एक्सटर्नल कस्टमर्स की यू हैव सर्टेन यू नो पैरामीटर्स हैं, आपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करना है. यू हैव टू गिव गुड कस्टमर सर्विसेज, यू हैव टू लिसन टू द कस्टमर्स, आपको उनकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको भी सुनना होता है. क्योंकि इफ़ समवन इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, मेरी नज़र में अगर मेरी प्रोडक्ट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कि कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को बॉदर नहीं कर रहा, मेरे पास कंप्लेंट्स नहीं आ रही हैं तो दैट मीन्स कि मेरी प्रोडक्ट को कस्टमर बॉदर नहीं कर रहा. सो मेरे ख्याल में कस्टमर एक्सपीरियंस आपका इज़ द मेन की टू दैट. आपका जितना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस होगा आप उतने अच्छे तरीके से लेके चलेंगे. और मार्केटिंग कैंपेन में देखिए, मार्केटिंग के साथ आपकी हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, आपकी हर चीज़ कोलैबोरेट करती है, एक दूसरे से मिलके चलती है. अब अगर आप एक अच्छी कैंपेन बना रहे हैं, आप अपने कस्टमर तक वो बात ही नहीं पहुंचा रहे हैं. मैं अब इतनी बात करूंगा, इफ़ आई एम डूइंग अ कैंपेन, मैं एक जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं करता. हाँ, ऑनलाइन वी आर थॉरली अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान इंटरनेशनली, बट अगेन मैं अगर एक चीज़ ए कैटेगरी के लिए बना रहा हूँ और उसको मैं मार्केट बी या सी कैटेगरी में कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं अपने जो एंड कंज्यूमर है उसको तो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ. तो हमें अपनी टारगेट मार्केट को वैल्यूएट करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि जो एरिया या जो स्पेसिफिकली चीज़ें हम कर रहे हैं वो आया हमारे टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली इंटरलिंक्ड हैं या नहीं है. अल्टीमेट रिजल्ट्स तो हमें तभी मिलेंगे ना सेल्स के. मार्केटिंग का काम सिर्फ चीज़ को बेचना तो नहीं है. देखें, हम कोई चीज़ प्रमोट करेंगे तो वो बिकेगी ज़रूर, बट एज फार एज कंसर्न इज मारिया बी तो यू नो नेम सेल्स एक्चुअली, बट अगेन हम ब्रांड इक्विटी के लिए अपनी कैंपेन्स को कर रहे होते हैं. वी आर डूइंग फॉर द ब्रांड इमेज बिल्डिंग एंड ऑल दैट, जिसमें मेनली हमारी पूरा जितनी भी टीम्स है दे आर थॉरली इन्वॉल्व. ऐसा नहीं कि वन मैन शो है,
अकेला नकाश कुछ नहीं कर सकता है. सो इट्स अ कंप्लीट टीम, सीनियर्स जूनियर्स एवरीवन, सबको आपके साथ मिलकर काम करना है. सो आप एक अच्छी कैंपेन डिजाइन करें और उसमें सबका आप प्रोज एंड कॉन्स के अकॉर्डिंगली उनसे सुने वो क्या कह रहे हैं. आपके जूनियर्स आपको सिखाते हैं सर? आई स्टिल रिमेंबर दैट कि जब मैं एक रिटेल के इदारे में काम कर रहा था तो हमारा वहाँ पे जब भी कोई एड्स बनते थे तो वो पहले ना एम्प्लॉयज़ को दिखाते थे और एक फीडबैक लेते थे कि कैसा है ये वो, और एक बड़ा ज़बरदस्त वाव किस्म का एक फैक्टर जनरेट होता था. तो वो कहते थे हाँ यार ये ठीक है, ये चलेगा, क्योंकि इंटरनली अगर पीपल आर सेटिस्फाइड तो एक्सटर्नली भी वो फिर हिट हो जाएगा. और ऐसा ही होता है, यू आर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा ही है. अच्छा नकाश, बहुत शुक्रिया. एंड आई थिंक दैट बड़ा ज़बरदस्त सेशन आपके साथ रहा एंड यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट. सो एनी फाइनल वर्डिक्ट अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन? आप यहाँ पर आए आज और हमें आपने एक ऑनर जो है वो दिया. अरे नहीं, दैट इज़ एन ऑनर फॉर मी एक्चुअली. मैं तो हमेशा से एक स्टूडेंट हूँ, सीखने के अमल से गुजर रहा हूँ, स्टिल सीख रहा हूँ. तो कासिम अली शाह फाउंडेशन, व्हाट आई थिंक इट्स डूइंग अ रियली गुड जॉब एक्चुअली. आप यू आर सर्विंग द कम्युनिटी एक्चुअली, यू आर नॉट सेलिंग समथिंग हियर, यू आर सर्विंग द कम्युनिटी. व्हाट कासिम साहब इज़ डूइंग, दैट इज़ थॉट फॉर द जनरेशन्स. आप एक जनरेशन, एक जो आपका अगली, हम जिसे कहते हैं ना नस्ल, हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. आजकल के दौर में हमारी जो आजकल के हालात हैं, जो करंट सर्कमस्टांसेज हैं, जो कल्चर डेवलप हो गया हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हर बच्चे बड़े की अप्रोच में इंटरनेट है. अब आपने उसको देखना है कि आप उस इंटरनेट से क्या बेनिफिट ले रहे हैं. आई एम मैरिड, आई हैव टू किड्स. मेरा बेटा, मेरी बेटी, दे हैव लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द एप्स, क्योंकि मैंने उस इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल किया है. सो यू आर यूटिलाइजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन अ गुड मैनर, सो दैट मीन्स यू आर सर्विंग द कम्युनिटी. सो आई एम ऑनर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. सो इट वाज रियली नाइस टू मीट यू. थैंक यू. आपका भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. नकाश हमारे साथ थे. नकाश ने अपने करियर में तो बहुत सारे ब्रांड्स बनाए और बहुत सारी वैल्यू ऐड की ऑर्गेनाइजेशन में. मारिया बी के साथ काम करें और कामयाबी के झंडे जो हैं वो वहाँ पर गाड़ रही हैं. दोस्तों, इन्होंने हमें बताया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किस किस्म की होनी चाहिए. इन्होंने हमें बताया कि फैशन रिटेल में मार्केटिंग क्या होती है. आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा. अपना फीडबैक हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. टेक केयर, बाय बाय.